Hello students, welcome back to NEET exam crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th. उसकी पूरी एनसीईआरटी रीड हम लोग यहाँ पे करेंगे. उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे किस लाइन को पढ़ना है, किस लाइन को पढ़ते टाइम हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है. तो ये सारी चीजें आज हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले जो यूनिट है जिसपे हम लोग आज की वीडियो देखेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट. सो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की, ठीक है. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इस तरह से, ठीक है. तो पूरे चैप्टर पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है मैंने, इसमें हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी में साइंटिस्ट दिए हुए हैं अर्नस्ट मेयर, ठीक है. अर्नस्ट मेयर जो है इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है. 20th सेंचुरी के डार्विन बोलते हैं इनको. जैसे कि डार्विन का कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी में बहुत ज्यादा, उसी तरह से 20th सेंचुरी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कवर करी है, ठीक है. तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं. तो ये अर्नस्ट मेयर के बारे में है. यहाँ से नीट पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है बेटा, बट आपको इसमें थोड़ी बहुत बेसिक चीजें बस हल्की फुल्की पढ़ लेनी है. अगर मतलब ये कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको बार बार नहीं रिवाइज करना है, आपको एक बार इसको देख लेना है बस, क्योंकि यहाँ से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्नस्ट मेयर, इनको बोलते हैं द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है. ही वॉज अमंग द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन बायोलॉजी, ठीक है. फिर इन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड ही रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर हो गए थे. और उसके बाद देखो ये सब आप छोड़ सकते हो. थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर हिज रिसर्च स्पैन ऑर्निथोलॉजी, ठीक है. तो ऑर्निथोलॉजी पे इन्होंने काम किया. ऑर्निथोलॉजी इज बेसिकली स्टडीज ऑफ बर्ड्स. फिर इन्होंने साथ ही साथ टेक्सोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका. टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. जू ज्योग्राफी, ठीक है, एनिमल्स एंड साथ ही साथ ज्योग्राफिकल रीजन की स्टडी. एवोल्यूशन में दे हैव रोल, सिस्टमैटिक्स में दे हैव रोल, एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इन सब चीजों में इनका रोल है. और इसके बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी भी दिया था, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, जो चीज याद रखनी है मेन, कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी जो है वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है. अगर आपको नहीं पता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी क्या है, तो उस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर इनको 3 प्राइजेस मिले थे. He was awarded with 3 prizes, जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना कि वॉट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, और वो कौन कौन से हैं. एक तो है बेल्जन प्राइज इन 1983, फिर है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999, ठीक है. और ये इनकी जो डेथ हुई थी वो 100 ईयर्स की जब हो गए थे तब हुई थी, दैट इज इन द ईयर 2004. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, एंड देन नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं, ठीक है. सो ये जो कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इसको आप पढ़ सकते हो. बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. इंट्रोडक्शन से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है. इसमें बस यही बता रखा है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा हैबिटेट्स हैं डिफरेंट काइंड के, और हैबिटेट अगर ज्यादा होंगे, इफ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स, प्लेसेस अगर ज्यादा है ना, ठीक है, अल्टीमेटली जो स्पीशी डाइवर्सिटी होगी वो भी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है. तो ये आपको बस याद रखना है, इंट्रोडक्शन में यही दिया है. और ये मानकर चलिए कि इस चैप्टर से नीट के अंदर जो है हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है. तो आपको 8 तो आपको 4 to 8 मार्क्स का पेपर यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है. और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता है. सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिविंग. लिविंग क्या होता है, किस चीज को लिविंग बोला जाता है. व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है वो बताते हैं, तो हम लोग उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखते हैं. जैसे कि ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ठीक है,
माउंट अ सुटेबल एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम आउट टू आर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बात करते हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो यही सब चीजें हमारे दिमाग में आती है कि जो ग्रोथ शो कर रहा है, जो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, जो अपने एनवायरमेंट के टूवर्ड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, वही लिविंग है। ठीक है, वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबोलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट। ठीक है, इसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं लाइक मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। नाउ नेक्स्ट ये है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक दी है दैट इज ग्रोथ। तो हमें पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, है ना, ग्रोथ तो होती ही होती है। और ग्रोथ कब हो रही है, हम कब बोल सकते हैं, जब दो चीजें हो रही होंगी, दैट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर बेसिकली द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो जो ग्रोथ है ना उसकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आता है नीट में क्वेश्चन। ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इज टू थिंग, एक तो इंक्रीज इन नंबर, अगर किसी भी सेल का नंबर बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, दैट इज इंक्रीज इन नंबर। तो अगर नंबर इंक्रीज होगा तो हम बोल देंगे ग्रोथ हो रही है। एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन मास। आप खुद ही सोचिए, अगर नंबर बढ़ रहा है तो मास तो अल्टीमेटली बढ़ेगा ही। तो जब भी ग्रोथ होती है ये दो चीजें होती ही होती है, वन इज नंबर इंक्रीज होना सेल्स का और दूसरा मास। इसी को बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ग्रोज बाय सेल डिवीजन। वो कैसे ग्रो करता है, सेल डिवीजन से, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 8 ऐसे बनते रहते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स के अंदर जो है ये जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है प्लांट्स के पास जो वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रोथ शो करते हैं, दैट इज मेरिस्टम्स। प्लांट्स के पास मेरिस्टम्स होने की वजह से ये प्रॉपर्टी आई है। वेयर एज इन एनिमल्स, एनिमल्स में देखिए दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स में सिर्फ कुछ एज तक ही होती है। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. है ना, सेल डिवीजन का और दूसरा रोल क्या हो गया कि अगर कोई भी सेल डेड हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन ही करा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। पहले हमने क्या लाइन देखी थी, मल्टी सेलुलर भी ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन, और यहाँ पे फिर से क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान से पढ़ने हैं। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. ठीक है, आप एक कल्चर मीडिया ले लो, उस कल्चर मीडिया में आप क्या करवा दो, बैक्टीरिया ग्रो करवा दो, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में 2 बैक्टीरिया है, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, तो धीरे धीरे करके बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है। तो यही तो ग्रोथ है। आप इस कल्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, दिस इज ग्रोथ ओनली, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना इज ग्रोथ। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये कह रहे हैं जो मेजोरिटी में, अब देखो मेजोरिटी टर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे इन मेनी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स या इन सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उस टाइम पे ध्यान देना है मेजोरिटी लिखा है। क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, मतलब कैसे, अगर हम बोले कि हायर प्लांट्स है और एनिमल्स है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे गैमीट्स बनती हैं बेटा। ठीक है, पहले क्या बनाते हैं, गैमीट। गैमीट बनने के बाद उसके बाद उसका फ्यूजन होगा, उसके बाद बनेगी जायगोट, है ना, और फिर बनता है न्यू इंडिविजुअल। तो ये तो हो गया पैटर्न जब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे। और जब वो ग्रोथ करते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ के टाइम पे तो सिर्फ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है ना, साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है। तो आप मुझे बताइए कि
जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, ये प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल में सेम तो है नहीं। ग्रोथ करने का पैटर्न अलग है, ग्रोथ में तो सिर्फ साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, और रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखो गैमीट्स बना रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रही है, यहाँ तो कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के दोनों इवेंट्स अलग तरीके से हो रहे हैं, ग्रोथ अलग तरीके से, रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए ये कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स ये। ठीक है, वन मस्ट रिमेम्बर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को एज अ क्राइटेरिया ले तो ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड ड्यून्स डू ग्रो। दिस इज अ स्नो माउंटेन, इसकी एक अपनी हाइट होती है, जब इस पे स्नो आके गिरती रहती है बेटा, बहुत ज्यादा स्नो गिरेगी तो उसकी वजह से इसकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। स्नो आने की वजह से स्नोफॉल होता है तो इसकी जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ गई इसका मतलब ये ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये है बाउल्डर। सो बाउल्डर इज बेसिकली अ वेरी बिग पीस ऑफ रॉक। ठीक है, ये रॉक की वेदरिंग होगी, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा और फिर उसके बाद सैंड बना देगा, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, राइट। नेक्स्ट इज दिस सैंड ड्यून्स। तो ये है सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये सैंड ड्यून्स होते हैं। तो आपको पता है जब बहुत ज्यादा एयर होती है या विंड होती है तो जो सॉइल होती है या सैंड है, एयर और विंड में क्या होता है, सैंड एक एरिया से दूसरे एरिया में उड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। तो ये इसको भी कह रहे हैं कि अगर इंक्रीज इन बॉडी मास ही सिर्फ हो रहा है तो उसको भी हम एंड नॉन लिविंग थिंग्स को भी ये बोल देंगे कि ये ग्रोथ ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लिविंग तो ग्रोथ शो करते ही हैं पर नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं। इसी रीजन की वजह से ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट इज ऑल्सो शोन बाय सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमने अभी पीछे देखे हैं उनमें ग्रोथ क्या हो रही थी, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सर्फेस, है ना, बाहर से आ रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उनमें ग्रोथ कैसी हो रही है, एक्सट्रिंसिक। ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मटीरियल आ रहा है और उसपे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, जबकि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग में कैसी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बाहर से थोड़ी कोई चीजें आकर एक्यूमुलेट होती है, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड। ठीक है ना, तो ये दोनों टर्म्स एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बट नीट में आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज इंट्रिंसिक व्हाट इज एक्सट्रिंसिक। ग्रोथ देयर फोर कैनॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते बिकॉज इसको नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर रही है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड दैट वी अंडरस्टैंड दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, नीचे दिया है अ डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ के बाद आता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ थी उसी तरह से ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बात करें, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, है ना। तो रिप्रोडक्शन में यही तो होता है, प्रोजेनीज बनती है और वो प्रोजेनीज के पास जो फीचर्स होते हैं वो पेरेंट से मोर और लेस सिमिलर होते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हम वैसे बात किसकी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, है ना, उसी में ऐसा होता है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल मींस से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक जो फंगस है, इट रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड यूजिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स को यूज करते हुए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो स्पोर्स कौन कौन से हैं, सबसे मोस्ट कॉमन तो आप लोगों ने जो स्पोर्स सुना होगा, जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पोर होता है दैट इज कोनीडिया स्पोर्स। इसके अलावा आपने जू स्पोर्स भी सुने होंगे। तो फंगस इन स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं।
इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है, ईस्ट एंड हाइड्रा में वी ऑब्जर्व्ड बर्डिंग, हमें बर्डिंग दिखाई देती है। इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म है वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, तो प्लेनेरिया में होती है ट्रू रीजनरेशन, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ट्रू रीजनरेशन होती है, ठीक है। तो ये है पेरेंट प्लेनेरिया, ठीक है, पेरेंट है ये, इसमें कट्स लगेंगे, फ्रेगमेंटेशन होगी, कैसे भी करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए आप देख सकते हो, एंड देन ईच फ्रेगमेंट विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक फ्रेगमेंट क्या कर रहा है, जर्मिनेट करके न्यू न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। जब कितने भी फ्रेगमेंट्स हो जाए और वो सारे फ्रेगमेंट्स अगर नया इंडिविजुअल बना दे, दैट पर्टिकुलर थिंग इज ट्रू रीजनरेशन। तो अगर प्लेनेरिया में कभी भी पूछा जाए रीजनरेशन होती है या ट्रू रीजनरेशन, तो उस केस में आपको ट्रू वाले पे टिक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फंगस है द फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी में किसकी बात हो रही है, दैट इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो है वो फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। तो ये लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, और मॉस का प्रोटोनिमा, ठीक है, ये प्रोटोनिमा हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। प्रोटोनिमा को गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, हैप्लोइड जो बॉडी होती है, ठीक है, हैप्लोइड बॉडी ऑफ मॉसेस, वो सब कैसे करते हैं। तो ये जो फंगस है फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस है, ये इजिली मल्टीप्लाई करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। इनमें क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे कि स्पायरोगायरा में आप देख सकते हो, स्पायरोगायरा इस तरह का इंडिविजुअल है, इसमें स्पायरल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ठीक है, स्पायरल क्लोरोप्लास्ट मिलता है इसके अंदर, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें ना छोटे छोटे कट्स लग गए, सपोज करो इसके अंदर फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है, ये हमने फ्रेगमेंट्स कर दिए इसके अंदर, ये चार पांच फ्रेगमेंट्स हो गए, फिर क्या होगा, ये सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स है ना, दे विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स नया इंडिविजुअल बना देंगे। तो इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आपको याद रखनी है किस किस में होती है, फंगस रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन, एंड आपको याद रखना है फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस में फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हेन वी कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बैक्टीरिया की या यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा की, द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीट एग्जाम, कि सिनोनिमस है मतलब सेम ही है, एक ही जैसे होते हैं, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दोनों में ही नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि आप सपोज करिए दिस इज अमीबा, ठीक है, ये इसका इरेगुलर न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अमीबा। सो ये अमीबा क्या करता है, पहले तो ग्रोथ करता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, इसमें क्या हुआ, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा, ग्रोथ करी इसने, थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पर ग्रोथ हुई है, एंड फाइनली ग्रोथ करते करते ये क्या कर जाता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ये दो डॉटर सेल्स बन गए। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, ग्रोथ भी हुई और ग्रोथ करते करते ही रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जैसे ग्रोथ हुई सेल डिवीजन हुआ और रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही तरीका तो है, ये ग्रोथ करने का भी तरीका है इनका और यही इनका रिप्रोडक्शन करने का भी तरीका है, तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो दोनों क्या है, सिनोनिमस है, सेम है, सिमिलर है। जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ जो है वो अलग पैटर्न से होती है और रिप्रोडक्शन अलग पैटर्न से होता है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है ना, सेम पैटर्न नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, है ना, हम ग्रोथ उसी को बोलते हैं जब सेल नंबर बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, हेंस वी नोटिस दैट इन
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ टू टर्म्स दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दोनों टर्म्स बराबर सेम ही होते हैं, ग्रोथ को ही वहां पे रिप्रोडक्शन बोल देते हैं और रिप्रोडक्शन को ही ग्रोथ बोल देते हैं, इसलिए हम लोग थोड़े से इसमें कंफ्यूज रहते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूल, स्टराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। तो जो म्यूल होता है दैट इज ए हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, ठीक है, हॉर्स एंड डोंकी का हाइब्रिड है, इट इज ए हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। तो म्यूल जो है वो तो बन जाता है, बट म्यूल आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, म्यूल कैन नॉट प्रोड्यूस मोर म्यूल्स, ये स्टराइल होता है, बट है तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, म्यूल भी तो लिविंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating itself. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, ग्रोथ में हमने उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वहां पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स थी जो ग्रोथ शो करती थी, जबकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि वॉट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड वॉट इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर दोज विच डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, विच डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, इसकी कोई एक्सेप्शन ना हो, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता हो और कोई भी नॉन लिविंग ना शो करता हो। और जो नॉन डिफाइनिंग होती हैं वो होती हैं जिनमें कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, विद एक्सेप्शन, ठीक है, विद एक्सेप्शंस। जैसे कि आपने देखा ग्रोथ में नॉन लिविंग थिंग्स भी उसको शो कर रही थी, और रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो दोनों ही केसेस में एक्सेप्शंस आ गए ना, इसीलिए ये दोनों नॉन डिफाइनिंग हो गए। अगर इनमें एक्सेप्शंस नहीं होते तो ये डिफाइनिंग होते, ठीक है। ओके, सो म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, ठीक है, हाइब्रिड होता है इन दोनों का। तो आप देख सकते हो ये म्यूल है, सो दिस इज म्यूल, म्यूल जो है वो आगे रिप्रोड्यूस करके और म्यूल्स नहीं बना सकता, ठीक है। सिमिलरली जो वर्कर बी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो दिस इज वर्कर बी, दिस इज क्वीन बी, और ये है मेल ड्रोन, ठीक है। तो ये वर्कर बी जो है ये स्टराइल होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, साथ ही साथ म्यूल भी स्टराइल है, और कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो स्टराइल होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है इट इज नॉट एन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कोई इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। बट नीचे आपको दे रखा है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हम सब केमिकल्स से बने हुए हैं, लिपिड्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, ठीक है। दीज केमिकल्स, ये स्मॉल भी हो सकती हैं एंड बिग भी हो सकती हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एटसेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो ये तो होता ही है हमारे में, जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर मॉलिक्यूल्स, जिसको एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोला जाता है, राइट। सो दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इन्हीं कन्वर्जन्स को क्या बोलते हैं, केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously in our body, ठीक है, be they, thousands of metabolic reactions हमारी body में चलती ही रहती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो simpler molecules हैं, simpler molecules वो क्या करते हैं, join होते हैं साथ में और क्या बना देते हैं, large complex molecule, कुछ भी हो सकता है वो complex molecule। सो ऐसे रिएक्शंस को जो कि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है जिसमें कुछ बन रहा है, इनको एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म बोला जाता है।
एंड द रिएक्शंस इन विच अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, है ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. जो कंस्ट्रक्टिव होती है वो एनाबॉलिज्म और जहां ब्रेक होता है वो कैटाबॉलिज्म. ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म जो है ना दैट इज बेसिकली, सो मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा, बेसिकली एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों के सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, सॉरी मेटाबॉलिज्म. ठीक है, सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस हैं, इन विच बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों चीजें होती रहती हैं साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. ऑल प्लांट्स एनिमल फंगस, ठीक है, प्लांट्स हो एनिमल हो फंगस हो या कोई भी माइक्रोब हो, दे ऑल एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, रिएक्शन होंगी ही होंगी. नेक्स्ट देखो डेफिनेशन है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. अब इसमें हर दोनों तरह की रिएक्शंस आ जाएंगी, एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करे. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. ठीक है, तो सेल फ्री सिस्टम में हम इसको करके दिखा सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरिड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हम ये कर सकते हैं. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ठीक है, ना तो ये लिविंग होगी रिएक्शन ना ही नॉन लिविंग होगी. Hence, while metabolism is defining feature of all living organism without exception, इसकी कोई exception है नहीं. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. तो ये क्या कह रहे हैं, इसके अंदर जो reaction चल रही है, suppose करिए इसके अंदर CO2 और water mix होकर glucose बना रहे, combine होकर glucose बना रहे, तो ये जो reaction हुई ना, this reaction तो living है. ये reaction कैसी है, living. बट जिस एरिया में, जिस एनवायरमेंट में ये हो रही है वो नॉन लिविंग है. जिस एनवायरमेंट में ये हो रही है वो नॉन लिविंग है ना. तो यहां पर वही तो बोला जा रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग. रिएक्शंस जो हो रही हैं वो एरिया इज नॉट लिविंग बट वो रिएक्शंस कैसी हैं, लिविंग रिएक्शंस हैं. Hence, cellular organization of the body is the defining feature. इसीलिए सेल होना बहुत जरूरी है, सेल का होना बहुत जरूरी है. सेल नहीं होगा तो सेल के बाहर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी उनको लिविंग नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी तो ही उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. स्टिमुलस इज चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन योर एनवायरनमेंट वो होते हैं स्टिमुलस. तो स्टिमुलस के टूवर्ड सब रिस्पॉन्स करते हैं, All living things respond towards stimulus, ठीक है? And respond to these environmental stimulus, which could be physical हो सकता है वो कोई, chemical हो सकता है या biological stimulus हो सकता है, ठीक है? We sense our environment through our sense organ, हमारे पास sense organ है, उससे हम sense कर लेते हैं. Plant respond to external factors. Plant का आपने respond देखा है ना, light के towards response होता है, water के toward, temperature and other organisms, pollutants, etc. So plants जो होते हैं, they are also very much sensitive towards the environmental
स्टिमुलसिस, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से आप बात करिए या मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस देयर एंड रिस्पॉन्ड कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है, जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो उसके टूवर्ड रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी में ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखो, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही ब्रीड करेंगे, ठीक है, एक ईयर के एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर बोला जाता है। तो उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है वो फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है। फोटो पीरियड इज बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ। जिसको ज्यादा डे लेंथ चाहिए, कुछ होते हैं किसी को कम डे लेंथ चाहिए होती है, तो उसको फोटो पीरियड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है दे रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे, सम ऑर्गेनिज्म रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डे, उसके अकॉर्डिंग उनका ब्रीडिंग पैटर्न चेंज होता रहता है। सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जो समर में आपको मिलेंगे क्योंकि उनको ड्यूरेशन ऑफ डे ज्यादा चाहिए, समर में लॉन्ग डे होते हैं इसी वजह से। कुछ होते हैं जिनको शॉर्ट डे चाहिए होते हैं, वो आपको विंटर में मिलते हैं। तो इस तरह से वेरी करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल एंटर कर रही है, कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, आपको पता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसके टूवर्ड्स फाइट करता है, वो एंटीबॉडी बनाता है उसके टूवर्ड। तो हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल बाहर से जा रही है, वो यूजफुल है तो ठीक है, हार्मफुल है तो हमारी बॉडी उसके टूवर्ड एक्शन लेती है, तो ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स ही हो गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। यस, देखो सराउंडिंग के बारे में तो सबको पता है कि बाहर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट खुद के बारे में अवेयरनेस होना इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस है। और सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस हो तो वो सिंपल कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कॉन्शियसनेस किस में है, तो कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल कॉन्शियसनेस। इसीलिए कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऐसी नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस हो जो एनवायरनमेंट के टूवर्ड रिस्पॉन्ड शो कर रही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा। कोई बंदा है जो कोमा में है, ठीक है, इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन, उसकी पूरी बॉडी को मशीन सपोर्ट कर रही है, सारा कुछ उसका मशीन से चल रहा है, विच रिप्लेसेस हार्ट एंड लंग्स। द पेशेंट इज ब्रेन डेड। ऐसे पेशेंट बेसिकली ब्रेन डेड होते हैं, मतलब उनके ब्रेन में एबिलिटी नहीं होती टू सेंस एनवायरमेंट, उनके बॉडी के सारे पार्ट्स जो है मशीन से चलते हैं। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ऐसे पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगी। तो ऐसे ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो कभी भी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते, वो नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, वो लिविंग होंगे या नॉन लिविंग? तो ऑब्वियसली ये वैसे तो लिविंग ही है, इनको नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे बेटा हम, क्योंकि इनके अंदर ना लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। क्या है? थोड़ा सा लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है, बट दे हैव वेरी लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो इनमें है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही एब्सेंट है, बट दे हैव वेरी लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हल्का फुल्का सा वो रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं, इसलिए हम इनको लिविंग ही बोलेंगे। हम ऐसे पेशेंट्स को जो कि ब्रेन डेड है या कोमा में है, हम उनको नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है। ह्यूमन क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, बिकॉज ह्यूमन जो है वो खुद के बारे में अवेयर है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। उसके पास क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जबकि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है? ओनली कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, ठीक है, सारी इंटरैक्शन से ही होते हैं। लाइक जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अब देखो, जो टिश्यू है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू,
तो अब जो टिश्यू बन गया है ना, वो सेल्स के ग्रुप से बना है। तो टिश्यू जो एक्टिविटी करेगा, जो फंक्शन करेगा, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं है, वो सेल वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू की तरह काम कर रहे हैं और फिर वो कोई फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ अ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेज एज अ इंटरेक्शन ऑफ अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, बट जब ये सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसकी वजह से टिश्यू बनता है और तब वो अराइज होती है। ठीक है, तो टिश्यू की जो फंक्शंस हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स नहीं कर सकते, बट ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन इंटरैक्ट दे कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनलीज। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या कर रहे हैं, एटीपी बनाता है, एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया जो काम कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया का के जो कॉम्पोनेंट्स है, सपोज करिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ये सब इंडिविजुअली नहीं कर सकते ये काम, एटीपी नहीं बना सकते ये, बट जब ये सारे के सारे आपस में इंटरैक्ट करके एक पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना सकता है। तो यहाँ पर भी वही बोला हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनल है वहां से अराइज नहीं होता, बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो ये जो एक ऑर्गेनल ही बना है या टिश्यू बना है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, तो आपको वो चीज याद रखनी है। ठीक है, दीज इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं सबसे क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, नई नई प्रॉपर्टीज इमर्ज होती है। दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स, है ना, आपको पता है ना हायरार्की क्या होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर बनता है बेटा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं इसी से कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, है ना। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, ये दो डेफिनेशन दे रखी है इसकी, कि बायोलॉजी ही लाइफ की स्टडी है अर्थ पर, बायोलॉजी ही एवोल्यूशन की स्टडी है अर्थ पर। All living organism, present, past and future, are linked to one another by the sharing of common genetic material, but to varying degree. Yes, this point is very very important. कि जितने भी living organism हैं, उन सब में same genetic material है। DNA क्या है हम सबका, लगभग same होता है बेटा, but थोड़ा बहुत क्या होता है, variation होती है। ठीक है, little bit of variation. और उसी से हम अलग हो जाते हैं, अदरवाइज सभी ह्यूमंस में, सभी कैट में, सभी डॉग में अपना स्पेसिफिक डीएनए ही होता है और वो एक आधे ऑर्गेनिज्म से हल्का फुल्का वेरी करता है, अदरवाइज सेम है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी ऑर्गेनिज्म अभी मिल रहे हैं, जो पास्ट में मिलते थे या जो फ्यूचर में मिलेंगे, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है बाय शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल है हम सब में, बट टू वेरिंग डिग्री। ठीक है, किसी में थोड़ा बहुत अलग है, किसी में कुछ बेस अलग है, किसी में कुछ अलग बेस है, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बेटा। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, तो उनको ये वीडियो मिलेगी तो वो भी अपना साथ के साथ सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।